भारत में यह एक ऐसा पहला मंदिर है जिसमें हनुमान यानी बालाजी के दाढ़ी और मूछ हैं। बताया जाता है कि इस विशाल मंदिर को मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाया गया है। हिंदू धर्म में जिस तरह लोग कोई शुभ काम शुरू करने से पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब वे संकट में होते हैं तो अपने कष्ट दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ है तो उन्हें कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यही कारण है लोगों के कहीं अकेले जाने में डर लगता है या भूत पिशाच से डर लगता है तो वो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। मंगलवार के दिन आमतौर पर हर मंदिर में हनुमान भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, तो अगर आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं तो इनके इस मंदिर के बारे में पढ़ना ना भूलें। राजस्थान के चुरू जिले में श्री सालासर बालाजी धाम मंदिर नाम के इस मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले भगवान हनुमान की पूजा होती है। माना जाता है कि यह भारत का ऐसा पहला मंदिर है जहां बालाजी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा स्थापित है। पूजा अर्चना के दौरान भगवान के भक्त बालाजी के चेहरे पर सिंदूर भी लगाते हैं। एक बार एक किसान खेत में हल चला रहा था, इसी दौरान उसे जमीन में दबी दो मूर्तियां मिली। एक मूर्ति हनुमान जी की थी और दूसरी बालाजी की। बताया जाता है कि एक रात उस किसान के सपने में आकर बालाजी ने उससे वह मूर्ति चुरू जिले के सालासर में स्थापित करने के लिए कहा। तब से वह मूर्ति सालासर और दूसरी मूर्ति पाबोलाम में स्थापित है जहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। बालम जी मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग भी काधाजनक है, इसलिए आप बस और कार से भी जा सकते हैं। बालाजी का यह मंदिर जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। दिल्ली से इस जगह की दूरी कुछ ही घंटों की है और इसी कारण लोग वीकेंड में यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं।